हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम संबलपुर से ब्रह्मपुर का टूर शुरू करने जा रहे हैं। अभी इवनिंग के 4 बज गया है। ये लगभग 340 किलोमीटर का टूर रहेगा। यहाँ संबलपुर से ब्रह्मपुर का डिस्टेंस 340 किलोमीटर है। तो अभी हम सफ़र शुरू करने जा रहे हैं और आप हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं रास्ते में। आज तो हम संबलपुर से ब्रह्मपुर के लिए टूर करने जा रहे हैं। अभी इवनिंग के 4:30 बज गया है। देखते हैं रात तक हम लोग कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। आप हमसे जुड़े रहिए। संबलपुर से बस 30 ही किलोमीटर आए हैं। यहाँ पे आगे रेड़ाखोल है, काफ़ी जंगल है चारों तरफ। रास्ता बन रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। कहीं कहीं पे रास्ता बना हुआ है और बाकी जगह पे वही पुराना वाला रोड है जो काफ़ी ख़राब है कंडीशन। देखते हैं आगे, फिर रेड़ाखोल में ही रुकेंगे। अभी हम लोग रेड़ाखोल चौक पे पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे। ये है हमारा रेड़ाखोल चौक। अभी यहाँ पे 5:30 हो गया है। देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे चाय पानी मिलता है, फ्रेश होके फिर आगे चलेंगे।
अभी टाइम रात के 8:30 बज गए, हम लोग चार चौक में पहुंच गए। ये अभी संबलपुर से 130 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग सफ़र कर लिए हैं। अभी चाय ब्रेक के लिए रुके थे। रास्ता यहाँ पे अच्छा, रास्ता हमें अच्छा मिला, बोध से इधर का रास्ता अच्छा मिला हमें। और फिर अभी आगे हमें 200 किलोमीटर का सफ़र करना है। देखते हैं रात में कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं हम लोग। एक तरफ है सीधा जाता है भुवनेश्वर, राइट की तरफ फुलवानी, फिर राइट की तरफ ब्रह्मपुर और लेफ्ट की तरफ जाएगा टिकरपड़ा। हमें जाना है राइट की तरफ ब्रह्मपुर चार चौक से। चुके हैं, बाबू अपना वीडियो बनाने वाले हैं अभी DJI से। और हमको अभी कितना किलोमीटर है, घाटी कितने किलोमीटर है? घाटी 50 किलोमीटर का घाटी है, उड़ीसा का सबसे बड़ा घाटी, उड़ीसा का सबसे बड़ा घाटी कलिंग घाटी 50 किलोमीटर का है। और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? जानकारी वहां पे पहुंचने के बाद ही जान सकते हैं। पहुंच गए हैं फुलवानी चौक, फुलवानी टाउन। यहाँ से अभी एक कलिंग घाटी आ जाएगा, ओडिशा का सबसे बड़ा लार्जेस्ट घाटी है कलिंग घाटी, उसको पार करके फिर हम लोग भंजनगर पहुँचेंगे। 85 किलोमीटर यहाँ से भंजनगर 85 किलोमीटर है, उसके बाद आस्का 125, फिर ब्रह्मपुर आ जाएगा 165 किलोमीटर। यह है फुलवानी शहर, यहाँ से पीछे से देख सकते हैं यह पूरा चारों तरफ जंगल ही है और पहाड़ की हाइट में है हम लोग हैं अभी। बहुत सारे खतरनाक घाटी क्रॉस करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। रात को आना इधर सेफ नहीं है फैमिली लोगों के साथ, कोई भी ज़्यादा गाड़ी वगैरह व्हीकल्स वगैरह हम लोग नहीं देखे इधर, तो दिन में आना सेफ है पर रात में इतना सेफ नहीं है इधर आना। अभी रात के 9:30 बजा हुआ है, रात के 9:30 बज गया। अभी देखते हैं इधर होटल से कहीं पर रोटी वोटी लेंगे, कुछ सब्जी वगैरह तो हम लोग घर से लेके आ गए थे, तो इधर यहाँ से रोटी लेंगे फिर खाना खाएंगे फिर आगे की तरफ निकलेंगे। अभी हम फुलवानी में होटल गुंजन में पहुँच गए हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं होटल गुंजन। तो यहाँ से हम रोटी पैक करवा रहे हैं, तो सुबह का सब्जी हम लोग लेके आए थे, तो यहाँ से सिर्फ रोटी पैक कर लेंगे फिर गाड़ी में ही खा लेंगे फिर आगे का जर्नी शुरू कर लेंगे। और बचा हुआ खाना डॉगी को दे देंगे। रेस्ट ऑफ फूड इधर भी खाएगा कि हाँ इधर खाऊंगे तो बड़ा चलेगा। और डॉगी का अभी रात के 10 बज गए और हम फुलवानी में यहाँ पे हम लोग अपना खाना पीना भी खत्म कर लिए। अभी घाटी का चढ़ाई करेंगे कलिंगा घाटी,
इतना बड़ा घाटी, सोच रहे हैं कि यहाँ से अभी निकले, रात के 10 बज गए हैं, यहाँ से निकले या फिर यहाँ पे होटल में कहीं पे रुक जाएं। पर देखते हैं, हमें तो एडवेंचर जर्नी पसंद है ज़्यादा, देखते हैं एडवेंचर वहाँ मज़ा लेते हैं, रात में घाटी का चढ़ाई करने में कैसा एक्सपीरियंस रहता है देखते हैं। चलिए फिर चढ़ाई करते हैं, क्या कैसा रहता है अपडेट देते रहेंगे हम। अभी रात के 11:45 हो गया और हम लोग कलिंग घाटी को पार कर गए। पहले घाटी काफ़ी ख़तरनाक था, आजकल घाटी इतना ख़तरनाक नहीं पता चलता है क्योंकि रास्ता चौड़ा हो गया और उस तरफ से ढला नहीं था तो इतना पता भी नहीं चला, पहुंच गया जल्दी से। इतना एडवेंचरस तो था पर इतना भी मज़ा नहीं आया क्योंकि रास्ता तो ज़्यादा ही अच्छा कुछ बन गया है। चलते हैं फिर आगे। अभी रात के 12:30 बज गया है और अभी हम भंजनगर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक अच्छा, बहुत बड़ा ही एक हनुमान जी का स्टेचू देखने को मिला है मेरे पीछे। ये देखें, काफ़ी बड़ा हनुमान जी खड़े हुए हैं, हनुमान जी मंदिर भंजनगर में। अभी रात के 2:30 बज चुका है, हम लोग आस्का में आधा घंटा रेस्ट किए, फिर अभी पहुंच गए हम लोग हिंजली कोट, हिंजली स्टेशन। यहाँ पे बस वगैरह सारे रुके हुए हैं, चाय पानी चल रहा है इधर। अभी सुबह का 4 बज गया है और हम लोग पहुंच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। हमारा डेस्टिनेशन ये देखिए मेरे पीछे, ये हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन गोपालपुर, और मेरे पीछे देख सकते हैं सी व्यू, सुबह के 4 बजे के सी व्यू देख सकते हैं मेरे पीछे। ये रहा सी व्यू। कोई भी नहीं है इधर।
चल हम लोग संबलपुर से 4 बजे निकले थे और यहाँ पे वही 4 बजे पहुंच गए, तो लगभग 12 घंटा लग गए। बीच में हम लोग रुक रुक के आए, पर 12 घंटा लग गए। जर्नी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था और यहाँ पे तो पहुंच गए। फिर सुबह बताते हैं यहाँ पे क्या क्या करेंगे, क्या क्या देखेंगे, इधर कहाँ पे स्टे करेंगे वो भी देखते हैं। यहाँ तो गोपालपुर में स्टे करेंगे या फिर टाउन के अंदर ब्रह्मपुर में स्टे करेंगे, यहाँ पे मिल जाएगा अच्छे से, वहीं पे स्टे कर लेंगे। 4-5 दिन का प्रोग्राम है, यहाँ पे ब्रह्मपुर घूमेंगे और आपको भी दिखाएंगे।